भूमियार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने आज पटना में प्रेस वार्ता की और सीधे तौर पर कहा कि 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उसमें जनता उनका समर्थन देगी। बिहार में जितने भी चुनाव हुए 5 सालों के सभी ने ठगने का काम किया। जहां 15 सालों ने लालू यादव बिहार को जंगल राज देने का काम किया, वहीं 15 साल नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार में बेरोजगारी पैदा की। जनता इन दोनों से ऊब चुकी है। नीतीश कुमार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। गरीब पूरी तरह से बिहार में त्रस्त है। इसको लेकर हमने राष्ट्रीय जनजन पार्टी का निर्माण किया और 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है उसमें हमारे उम्मीदवार उतरेंगे और जो भी उम्मीदवार रहेंगे हमारे वह जीत हासिल करेंगे और तीसरा विकल्प के रूप में जनता हमें चुनेगी। आपको उनसे पूछना चाहिए कि 15 वर्षों तक आप सत्ता में थे तो आपने रोजगार नहीं दिया और 3 महीने चुनाव को रह गए तो आप कहते हैं कि 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इसके लिए क्या रोडमैप आपके पास है? और यदि आप हमारी बात करें तो हमारे पास रोडमैप है। रोडमैप उनके पास भी नहीं है जो बिहारी बेरोजगारी भगाओ यात्रा निकाले हुए हैं बिहार में। उनसे पूछना चाहिए कि बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री किसने बनाया? आप ही के माँ पिता जी का देना। ये सवाल उनसे भी करना चाहिए जो आज बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर बिहार में घूम रहे हैं कि आपके पार्टी के एजेंडा में तो परिवार फर्स्ट है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।